प्रदेश में सूबे की सरकार से जैसे जैसे कई नेताओं के समर्थन वापसी और हाथ का साथ छोड़ने की खबरें आ रही हैं, वैसे वैसे कई विधायकों पर अपनी सदस्यता को लेकर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। पेश है ये रिपोर्ट। कांडा और रामेश्वर पर लटकी तलवार, विधानसभा की सदस्यता आज जाने का है खतरा। प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा और रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रामेश्वर दयाल की विधानसभा की सदस्यता पर अब तलवार लटक गई है। आपको बता दें कि कांडा के नई पार्टी बनाने और दयाल की इनेलो छोड़ने के बाद ये स्थिति पैदा हुई है। वहीं विधानसभा सचिवालय ने नियमों को खंगालना शुरू कर दिया है। दरअसल अगर इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो विधानसभा में 85 विधायक रह जाएंगे। गौरतलब है कि 3 विधायक पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं पिछले दिनों ही कांडा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद 2 मई को उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी का गठन किया। हालांकि कांडा ने जो अपनी पार्टी बनाई है उसके लिए चुनाव आयोग में चुनाव चिन्ह के लिए भी आवेदन किया गया है। आपको बता दें कि कांडा की पार्टी ने उसी चुनाव चिन्ह की मांग की जिस पर कांडा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह से बावल से विधायक रामेश्वर दयाल इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि रामेश्वर दयाल अभी तक किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं इनेलो पार्टी की ओर से अगर स्पीकर के पास रामेश्वर दयाल के खिलाफ शिकायत जाती है तो स्पीकर उस पर एक्शन ले सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार को कब तक इस दल बदल की राजनीति का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।